आस्ते चलो 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 एक्चुअली उस साइड में थोड़ा धूप आ रहा है, चलो चलो अलिए जाए बस जा। यहाँ तो पिजन्स के लिए, यहाँ तो सारे मुर्गी तितिर का बच्चा जो सारे एडल्ट तितिर है। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। और हर दिन शाम पे मतलब पूरा साल भर के लिए चंद्र ऐसे बहुत ही कम दिन गया है जब हम लोग के पास कोई बेबी बर्ड नहीं रहा, कोई भी मौसम हो कोई भी सीजन हो। और कैप्टिव बर्ड में तो पूरे साल भर ये लोग ब्रीड करते रहते हैं। अगर हम लोगों ने सही डाइट और सही प्रॉपर केयर ट्रीटमेंट इन लोगों को करे तो पूरा साल भर ये लोग ब्रीडिंग करते ही रहते हैं। इसी के लिए हम लोगों के पास हर टाइम पूरा साल भर कोई ना कोई बेबी बर्ड तो रहता ही है। राजू ये क्या कर रहे, इसका हो गया हैंड फीडिंग? रुद्रा वो छुपा हुआ है। विनोद हो गया, बन गया। A90 टेम्परेचर थोड़ा हाई है इसका। हाँ, अभी और थोड़ा ठंडा करना होगा। कॉकाडूज के लिए तो थोड़ा सा लो फैट चाहिए होता है। A21 और बाकी सारे कॉर्नियोर्स, मकाउज, अफ्रीकन ग्रे कोई भी है उन सब के लिए हाई फैट वाला A19। हाँ देखो, और पूरा दिन हम लोग कुछ भी करें रात के टाइम मतलब खुद खाने से पहले डिनर से पहले एक साथ मिलके आधा घंटा टाइम निकल के तो हर दिन बैठना पड़ता है। ये तो सोने का बंदोबस्त कर रहा है गोद में। हाँ। पूरा पंख देखो फैला दिया। हाँ। पैंट काट चे राजू, देखो सबका अलग अलग है। चंद्र तुम बड़ी हो इसी के लिए तुम्हारे पास इतना सारा है, उसका हिसाब से दो। और राजू तो अब स्कूल जब छुट्टी रहता है इन दोनों का एक ही काम रहता है, सारे बार्ड्स का पीछे पड़ा हुआ रहना है। ये कौन है? वाओ, ये इसका देखो टेल आ रहा है और ये इसका पहला वाला टेल है। थोड़ा सा पानी डालना होगा, थोड़ा सा मतलब एकदम हो गया। देखो कैसे ठीक करना पड़ता है, थोड़ा सा भी नीचे नहीं गिरेगा, 10 ml एक ही झटके में चला जाएगा। देखो तुम्हारा हो गया, तुमको भी दिया, तुम्हारा बाकी है यार 20 ml। पाइनएप्पल कॉर्नियर की बहुत अच्छा टीम होता है, सबका पेट भर गया। पापा नहीं, इसका भी नया नया फेदर सारा है ना, उल्टा साइड में घिसो देते हैं फेदर के लिए सही है। थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे एक दो बार जब बड़ा हो जाएगा तब हाथ लगा सकते हो, पापलू की तरह हो जाएगा तब हाथ लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सही तरीके से पेट भर के हम लोगों ने हैंड फीडिंग करा दिया है। हर रोज जैसे करना पड़ता है उसी हिसाब से करा दिया है। देखो पाब्लो यहाँ सोने का मन बनाया, इन लोगों के साथ ही रहे। हाँ, रहेंगे बाद में जब हम लोग का नया फॉर्म बन जाएगा ना तब एक ही साथ रहेंगे, बड़ा सा रूम बनाएंगे ठीक है ना। अभी तो छोटा छोटा रूम है, तुम लोग कहाँ रहोगे हम लोग कहाँ रहेंगे, इसी के लिए मजबूरन हम लोगों को तुम लोगों को अलग और हम लोगों को अलग रहना पड़ता है। लेकिन जब वहाँ जाएंगे सब मिलके एक साथ रहेंगे जी ना पाब्लो। अच्छा ठीक है। हाँ क्या है, एक साथ रहना है ठीक है, रहेंगे कोई बात नहीं। टाइपिंग जो डालना था उसका काम तो कंप्लीट हो चुका है, अभी जो करना है कलम, आज तो 6 कलम हो जाएगा और बाकी का 37-38 ऐसे कुछ कलम्स है। सारे कलम्स हो जाने के बाद यहाँ तो इस साइड में तो दीवार उठेगा क्योंकि हवा को हम लोगों को रोकना है, इस साइड को भी प्रोटेक्ट करना है और बाकी का दोनों साइड तो ऐसे ओपन रहेगा। ये जो कलम अभी 9 फीट का हो रहा है इसका ऊपर छत डलेगा, उसका ऊपर फिर से 9 फीट का, 18 फीट का हाइट से पूरा ऐसे नेटिंग। कृष्णा तैयार हो गया है, पूरा रेडी कर लिया? हाँ, थोड़ा सा बाकी रह गया। और ये रहा हम लोगों का ब्लैक स्वान और बहुत जोरों से तैयारी चल रहा है क्योंकि हम लोगों का फार्म पे आज नया मेहमान आ रहा है। नया मेहमान मतलब देखो, हाँ हम लोगों का फार्म तो अभी पूरी तरीके से रेडी नहीं हुआ और भी टाइम लगेगा, बर्ड्स का एवियरी बनने का काम चल रहा है, अभी भी मिनिमम तो 2 महीना ले ही लेगा क्योंकि ऊपर ऐसे पूरा सेट बेड वो बहुत कम बाकी है। फिलहाल जैसे धीरे धीरे हम लोगों का नया फार्म का काम आगे बढ़ते जा रहा है, मतलब जिस स्टेज में जैसे माहौल है उसी हिसाब से कौन सा पेड़ हम लोग रख सकते हैं उसी हिसाब से हम लोग तो धीरे धीरे पेड़ लाना भी शुरू कर दिया है। मतलब बहुत सारा पेड़ ऑलरेडी आ चुका है, जैसे बहुत दिन पहले सबसे पहले हम लोग लेके आए थे स्वान्स, ब्लैक स्वान। ये क्या हुआ, ठीक तो हो ना?
आ जाओ। तबीयत खराब तो नहीं है ना? मतलब ये सारे स्वान्स, ब्लैक स्वान सबसे पहले आ गया था, क्योंकि तभी कुछ नहीं बना था, लेकिन ये तालाब था और इन लोगों के लिए एक छोटा सा घर ये पहले हम लोगों ने रेडी कर लिया था। तो उसी हिसाब से रहने का लायक हो जाए, ये लोग आराम से रह पाए, जो सारे पेड़ उसी हिसाब से धीरे धीरे हम लोग लाते गए। उसके बाद एक घर बनाया हुआ ब्लू एंड ऑली को लेके चला आया। उसके बाद छोटे बर्ड्स के लिए बहुत सारा छोटा छोटा कॉलोनी बना लिया। सबसे पहले तो पिजन्स को लाएंगे, पिजन्स को सही तरीके से रखने के लिए उनका भी एकदम केज तैयार हो गया है उसी के साथ, जहां ब्रीड करेंगे छोटा छोटा जो बॉक्स बनाना पड़ता है उसका भी काम पूरा रेडी हो गया है। आप अगर हम लोगों के साथ बहुत दिन पहले से जुड़े हुए हैं, मतलब पैरट दीपंकर यूट्यूब चैनल को आप फॉलो करते हैं, सारे वीडियोस देखते हैं, तो आपको पता होगा कि लॉकडाउन जब खत्म हुआ था उसका जस्ट बाद में ही, लॉकडाउन अभी अभी खत्म हुआ था, तो उसी टाइम हम लोग नागपुर गए थे प्रसन्न दादा का घर में उनका बर्ड ब्रीडिंग फार्म विजिट करने के लिए। ये जो बन रहा है इससे कई गुना ज्यादा बड़ा फार्म उनका ऑलरेडी बन चुका है, बहुत सारा बर्ड्स भी वहाँ चला गया है और अच्छे से ब्रीडिंग भी चालू हो गया है। भाई हुआ कृष्ण जी आज प्रसन्न दादा का हुआ तो बहुत सारा, मतलब कितना याद नहीं आ रहा है, 200-300 ऐसे कुछ गिर गई बोलते हैं ना, तो उसी का ऐसे सारे काउस वगैरह था। तो दादा को ही बोला था, फाइनली प्रसन्न दादा मेरे लिए अरेंज किया। फिलहाल वो लोग रास्ते में है, इतना दूर ट्रैवल करके आ रहे हैं, तो इसी पेड़ का छांव में कुछ देर के लिए रखेंगे और थोड़ा सा गुड़ और पानी मिला के जो पिलाना पड़ता है वो पिलाएंगे। उसके बाद उन लोगों के लिए तो वहाँ घर रेडी हो रहा है। थोड़ा सा चिंता हो रहा है कि इतना दूर ट्रैवल करके, मतलब नागपुर से यहाँ तक लगभग दो दिन का सफर हो रहा है। ड्राइवर साहब को बार बार फोन करके बोला कि एकदम धीरे 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 जैसे चाहिए उसी हिसाब से आने के लिए। बाबू रेडी हो गया? हाँ, फिलहाल कुछ देर के लिए यहाँ पेड़ का छाव है, यहाँ एकदम ठंडा ठंडा जगह है और सर्दी का मौसम खत्म होके अभी गर्मी का मौसम आ चुका है। सुबह की 10:30-11 हो रहा है लेकिन बहुत ज्यादा गर्मी फील हो रहा है, लेकिन यहाँ एकदम बिल्कुल ठंडा है, इसी के लिए इसी जगह को चूज किया और मतलब वहाँ रेडी हो रहा है, काम चल रहा है। और ये जो घर है यहाँ तो पिजन्स के लिए पूरा सेट कर दिया है, यहाँ तो सारे मुर्गी तितिर का बच्चा सब रख दिया, और इस साइड में जो सारे एडल्ट तितिर है इन लोगों को यहाँ रखे है। इन लोगों का फेदर को, हाई फ्लाइंग फेदर को थोड़ा सा ट्रिम करना है और आगे ले जाके बाहर छोड़ देंगे। क्या हुआ ब्लू एंड अर्ली, इन लोगों को भी आज नहलाना पड़ेगा। चलो विनोद अभी नहला दो शैम्पू वैम्पू लाया? यहाँ ये जो प्लेस है इन लोगों के लिए बहुत है, आराम से रह लेते हैं। चलो ऐसे ही खोल दिया ना, आस्ते 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 आस्ते, इस साइड में नहीं, यहाँ नहीं, इस साइड में। तो अपन दा कहाँ क्या कर रहा है पता नहीं। अरे रुको यार, बन रहा है और थोड़ा सा बाकी है गेट बनाने का। अरे पकड़ो दादा, चलो चलो अलिए अलिए, चलो 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 जाए बजा। ओ बाप रे, थक गए दोनों को, इतना ताकत है। वो देखो देखो अभी पानी में क्या करेगा, देखो। सुबह से क्या क्या नहीं करना पड़ रहा है, और आज तो संडे है, सर जी का छुट्टी है, इसी के लिए तपंदा को हम लोगों का मतलब पूरा मिल गया, 100% मिल गया। और अभी दादा क्या लेके आया है, गुड़, पानी के साथ गुड़ मिक्स करके दे देंगे, मतलब जो ट्रेस है वो खत्म हो जाएगा ना। सही गुड़ है, गन्ने का गुड़ जो होता है वही। दादा तपंदा फाइनली इंतजार का घड़ी खत्म आ चुका है, मतलब 8 माइल से अंदर की तरफ, हाँ नजदीक आ गया, अभी आने वाला है 1-2 मिनट में। पूरा बैक करके पीछे चले जाइए, आ जाओ धीरे धीरे। एक्साइटमेंट लेवल तो बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, सिर्फ एक चीज़ देखना है, जो प्रेग्नेंट था वो सही है तो और कोई चिंता नहीं, बस रहने दीजिए रहने दीजिए। देखे थे ना एकदम छोटा छोटा, नहीं 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 उतना छोटा तो नहीं है, पूरा तिरपाला ही रहता। एक्चुअली जैसे सोचा था कि वो शायद माइक्रो होगा, तो फिलहाल जो है जो आया है ये भी बहुत अच्छा है, ये शायद मिनी होगा, मतलब इससे भी एक छोटा साइज का, हम लोगों ने सोचा था कि एकदम छोटा साइज का जो होता है वैसे ही कुछ होगा, ऐसे करके लेके जाएगा
लेकिन थोड़ा बड़े साइज का है, गोद में उठाना तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम होगा, ये तो एक दो में ख़त्म नहीं होगा, धीरे धीरे होता जाएगा। लेकिन फिलहाल जो आया एक प्रेग्नेंट है वो सही है, उनको एक बार देख लिया कि वो एकदम परफेक्ट है। अभी इन लोगों को सही से हम लोगों को नीचे उतरना है और पानी तो रेडी है। एक है गिर गाय, ये जो लाल वाला ये गिर गाय है, ये 2 साल में मतलब मिल्किंग चालू करेगा। हाँ, लेकिन उतरेंगे कैसे ये लोग? चलो बस, ओ धीरे से धीरे से, ओ बैठे बैठे उनको। हाँ, थोड़ा सा गुड़ पानी पिलाओ तो इन दोनों को। आस्ते चलो 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 चलो, ठीक है ठीक, हो गया हो गया हो गया। तो फाइनली सबको सही तरीके से मतलब দীর্ঘ সময় ছিল তো ঠিক হয়ে যায়গা। एक्चुअली बहुत लंबा जर्नी था, एक तारीख को निकले हैं शाम को, एक तारीख 1-2-3 60-65 आवर्स के आसपास कुछ ऐसे होगा। अरे 12-30 दिन। और तो फाइनली सेफली सब के सब पहुंच गए हैं। वो थोड़ा सा मतलब नॉर्मल दिख नहीं रहा था, इसी के लिए थोड़ा सा डर गए थे, और बाद में थोड़ा सा पानी वानी पिलाया और एकदम परफेक्ट सही हो गया है। ये दोनों तो मतलब वो जो है वो तो प्रेग्नेंट है, और बाकी वो तो गिर गई है, और सब के सब सही से पहुँच गया है। थैंक यू सो मच दादा, बहुत तकलीफें हुआ आप लोगों का वहाँ से इतना लंबा। ठीक है, तबुंदा एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और प्रसन्ना जैसे कहा था कि 2-3 दिन थोड़ा सा नए जगह में एडजस्ट करना, और इतना दूर से जो ट्रैवल करके आया तो ये ट्रेस खत्म होने में 1-2 दिन या 3 दिन लग जाएगा, उसके बाद एकदम परफेक्ट हो जाएगा। हाँ, और सबके सब खाना भी चालू कर दिया है, गन्ने का गुड़ थोड़ा थोड़ा करके पानी के साथ मिला के रख दीजिए, वो लोग अपने हिसाब से खाएगा। बस ऐसे थोड़ा सा गुड़, ट्रेस खत्म होगा इसी के लिए। गुड़ मिला दिया दादा, इसको भी यहाँ सामने रख देते हैं। अच्छा, इन सब का ज़रूरत नहीं है, एकदम फ्रेश घास लेके आएंगे। फिलहाल तो ग्रीन कुछ इन लोगों को दिया था, उतना ज़्यादा पसंद नहीं कर रहा है, ऐसे स्ट्रॉ बहुत शौक से खा रहा है। मतलब 2-3 दिन का जर्नी था, यहाँ आने के बाद इतना जल्दी इतने अच्छे से खाना शुरू करेगा पता नहीं था। देखो, और यही प्रेग्नेंट था, इसके बारे में ही बताया था, ये तो एकदम परफेक्टली आ गया है, कोई दिक्कत नहीं। और प्रसन्ना ने जैसे कहा है कि 3 दिन लगेगा, इन लोगों का इतना लंबा जर्नी का स्ट्रेस कंप्लीट एकदम नॉर्मल होने के लिए 3 दिन तो थोड़ा सा हम लोगों को टाइम देना होगा। क्या पसंद नहीं आया गुड़ मिलाया हुआ पानी? प्लेन पानी दीजिए तो। नहीं 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 नहीं, फिर से इसको हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, क्योंकि 2 महीने के अंदर नया बेबीज का जन्म देने वाला है, और इस हालत में इतना लंबा जर्नी करके आया, थोड़ा सा पानी पी लो तो एक बार। इसको बदलना चाहिए। हाँ, सबसे पहले इनको दो, तो एक ये हटाओ, ये देखो सब शौक से खा रहा है, देखो पेट भर के खाओ, खाने का तो कमी नहीं रखेंगे बिल्कुल भी। देखो अभी उसको पसंद आया। हाँ। और तो उम्मीद करता हूँ ये सारे काउज आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया। हाँ, वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, और जो सर फ्रेंड्स है शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बगल का बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब यूट्यूब में हम लोग ऐसे कोई मज़ेदार हम लोगों का फार्म का अपडेटिंग का वीडियो अपलोड करेंगे, उसका नोटिफिकेशन भी डायरेक्टली आप लोगों का मोबाइल या कंप्यूटर तक पहुँच जाएगा। तो आज का वीडियो यहाँ खत्म होता है, फिर मिलेंगे किसी नया वीडियो नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। कृष्णा हाथ तो उठाओ, बाय फ्रेंड्स। हाँ, जो पसंद आता है ऐसे नॉर्मल पानी भी डाल दिए है, और ऐसे गुड़ मिक्स किया पानी भी डाल दिया है। ठीक, जो पसंद आता है वही पियो। हाँ देखो एकदम शौक से खा रहा है, नहीं एक्चुअली बहुत भूखा है ऐसे ही। पूरा जो 100% प्रॉपर डाइट होता है, प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है, प्रॉपर जो होता है एकदम सब जान लेंगे, यूट्यूब भी है, डॉक्टर साहब भी है, प्रसन्दा भी है, सबसे जानकारी लेके एकदम परफेक्टली केयर करेंगे इन लोगों का।
एक्चुअली उस साइड में थोड़ा धूप आ रहा है, तो इसी के लिए इस साइड में छाव है। चलो ये देखिए, वाओ ये तो केकड़ा, समुद्र का केकड़ा, बहुत सारा छोटा छोटा है। तालाब में छोड़ेंगे? चलिए दादा, चलिए चलिए चलिए। चलो छोड़ दिया है सब, देखो सब मार्क किया हुआ है। डॉग का इतना हमला होता है ऐसे खुला जमीन पे, जब चरने के लिए घास खाने के लिए इन लोगों को छोड़ देते थे, तभी एक डॉग है वो इतना खतरनाक हो चुका है, जब कोई नहीं रहेगा, अगर छोटा बच्चा होगा तो लेके चला जाएगा, नहीं तो मतलब मार ही देते हैं। तुम फंस गए हो, और ये देखो ये यहाँ नाव पड़ा था, आ जाओ, वो तभी से कोशिश कर रहा है यहाँ ऊपर चढ़ने के लिए, लेकिन हो नहीं पा रहा है। आ जाओ, अंदर चला गया, लेकिन बाहर आने के लिए कोशिश तो जारी है। ओए या भिटकी आ गया, शाबाश, दिखाइए दिखाइए दादा, ये तो बड़ा भिटकी है दादा, काटा है ना, फंस गया। हाँ जो बोला था ना दादा, और भिटकी बहुत खतरनाक होता है, ये जो कांटा है ना इसका, ये एकदम फाड़ के रख देता है, ऐसे नेट तो इसके लिए कुछ भी नहीं, मतलब इसका आगे कुछ भी नहीं है, एक ही झटके में निकल सकता है, फाड़ है। हाँ ये देखिए, सौ की तरह भिटकी जिस तालाब में रहेगा, बाकी का कोई भी मछली का टिक पाना बहुत ही मुश्किल है।